जी हाँ, हम तो ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि इस बार जो अटैक हुआ है वो कोई छोटा मोटा अटैक नहीं था, और 2016 में जो अटैक हुआ था वो भी कोई छोटी मोटी अटैक नहीं थी। ये जो पुलवामा में आत्मघाती हमला हुआ है उसके बारे में आपका क्या विचार है? हमारा नहीं, ये मतलब पूरे भारतवर्ष का विचार है कि इसका जल्दी से जल्द बदला लिया जाए। जैसे कि कुछ दिन पहले हमारे जवानों ने किया, पाकिस्तान में घुस के हमला किया, तो उन्हें बिना बताए बिना इन्फॉर्म किए हुए इस बार वैसे नहीं करना है, उनको ओपन चैलेंज करके उनके घर में घुस के मारना है। और हमारे जो जवान हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद, आज उनके वजह से हम आज़ाद से घूम फिर पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। तो सब हमारे साथ एक बार बोलिए, भारत माता के, भारत माता की, भारत माता की, पाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, जय जवान। जी हाँ, हम तो ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि इस बार जो अटैक हुआ है वो कोई छोटा मोटा अटैक नहीं था, और 2016 में जो अटैक हुआ था वो भी कोई छोटी मोटी अटैक नहीं थी। इस बार हमारे 40 जवान शहीद हुए हैं, तो उसका बदला तो हम ज़रूर लेंगे। वो लोग 40 ले चुके हैं, हम लोग 4000 लेंगे। तो इसी के साथ मैं बोलना चाहूँगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। शिल्पा, ये पुलवामा में जो आत्मघाती हमला हुआ है हमारे जवानों पे, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? हम इसके जो कश्मीर के पुलवामा जो घटना घटी थी, हमारे जो 44 जवान शहीद हुए हैं, उसी के श्रद्धांजलि देने के लिए सब हिंदुस्तानी परिषद के राजकीय एवं जिला समिति के सभी पदाधिकारी आज यहाँ उपस्थित होकर एकजुट भारत माता की जय और हमारे वीर जवानों के श्रद्धांजलि पर श्रद्धांजलि दी गई है। और इस श्रद्धांजलि के साथ हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं, जो भी आरोपी हैं सजा दी जाए, और जो भी गद्दार थे जिनके वजह से हमारे जवानों को जो टेलीकास्ट था जो लीक हुआ, हम चाहते हैं उस गद्दार को पकड़ा जाए, क्योंकि इतना बड़ा काफिला जब निकलता है उसके साथ कुछ सुरक्षा होती है, और वो काफिला कहाँ से निकलता है सिर्फ कुछ अधिकारियों को पता होता है, ये कोई पब्लिकली न्यूज नहीं होती है, जिसकी वजह से लोगों को पता हो कि ये काफिला कहाँ से गुजर रहा है। तो ऐसा कोई अपना ही गद्दार है जिसकी वजह से काफिले की खबर आतंकवादियों तक पहुँची और हमारे वीर जवानों को आतंकवादी हमला किया गया। हमारे देश के आर्मी पर हमें गर्व है, और हम जानते हैं कि हमारी आर्मी इसका जरूर रिवेंज लेगी। धन्यवाद। तो जैसे कि एक बार सर्जिकल स्ट्राइक हो चुका है, तो आप ये चाहते हैं कि एक बार ऑल आउट हो, इसे ऑल आउट हो, इसे ऑल आउट हो, और हम सरकार से भी कहना चाहते हैं 14 फरवरी को शहादत दिवस के रूप में नेशनल हॉलीडे को घोषित किया जाए, क्योंकि हमारे जवान हमारे देश रक्षा के लिए बने हैं, और ना दिन ना रात बिना किसी चीज के हमारे देश की रक्षा करते हैं। हम चाहते हैं उनकी श्रद्धांजलि को बेहद जाना ना दिया जाए। Pakistan, 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 Pakistan,
मुर्दाबाद।